छोड़िए ना डैडी जी, आप उदास मत होइए, इत्मीनान से नाश्ता कीजिए और फिर मम्मी जी के घर के बाहर जाकर भूख हड़ताल कीजिए। खाने के बाद? हाँ, मम्मी जी भी तो वही करती हैं। बाद में यहाँ क्या है खाने में? कल रात की बिरयानी। ओ बाप रे, क्या कल रात को तो दोनों हाथों से खा रहे थे। आलू टूट नहीं रहा था इसलिए दोनों हाथों का इस्तेमाल करना पड़ा। नाश्ते में सिर्फ बिरयानी। केचप है बाबा, केचप है। तो ठीक है। अरे क्या ठीक है, तू बिरयानी के साथ केचप खाएगा? हाँ। कभी कभी सिर्फ केचप खा के पेट भरता हूँ। गर्मा गर्म बड़ा पाव आ गए। लीजिए डैड, दोनों हाथों से बिरयानी खाइए। साहिल घर जाना है तो मॉम की सारी शर्तें आप मान लीजिए। तूने लिस्ट देखी है शर्तों की? पूरा के पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है। अच्छा, 12 मिनट तक ब्रश करूंगा 2 बार, दूध पी लूंगा 3 बार, बेड पे चकली चिवड़ा फरसान एक्सेट्रा, सी लिस्ट अटैच्ड। नहीं खाऊं, ओहो, रोसेश की कविता सुनूंगा। बाप रे, हुआ ना जुल्म। माया को मंथरा ड्रैकुला, सी लिस्ट 2। कह के नहीं बुलाऊंगा, रोसेश के सर पे पानी नहीं डालूंगा, सांबार दाल टोमेटो सूप नींबू पानी और दूध भी नहीं। ब्रैकेट रहने दे साहिल, रहने दे, सब मिला के 192 शर्तें हैं। ये सारी मान लूंगा तो फिर व्हाट्स लाइफ? या यू बेट, आई मीन बेड पे चकली चौड़ा फरसान नहीं खाऊंगा वाली जो शर्त है वो हम मान भी लेंगे, लेकिन रोसेश की कविता रेगुलरली सुनूंगा। रेगुलर कहां लिखा है? ठीक है, यहाँ स्टार है, नीचे कंडीशंस अप्लाई। देखिए ये यहाँ, रेगुलरली अप्रिशिएटिवली डिसेंटली अटेंटिवली और कंपलसरी क्लैपिंग। साहिल तू फिर से एक बार ट्राई करना, माया को फोन तो लगा प्लीज। देख सुन, मुझे तेरे घर रहने में कोई एतराज नहीं है, लेकिन अपना घर आखिर अपना घर होता है ना, ऊपर से वो घर तो घर भी है। मॉम, साहिल, मॉम, आई थिंक यू आर स्ट्रेचिंग दिस अ बिट टू फार। आई मीन गार्ड्स के हाथों डैड को घर से बाहर निकलवाना, इनफैक्ट उन्हें नींद भी नहीं आ रही यहां। हाँ वो तो है, बट ओके बाय डैड। मॉम ने आपको फिर से मना किया। एक बार पढ़िए। ये आज का अखबार है? नहीं नहीं, ये तो वड़ा पाव वाले ने दिया है, पढ़िए ना। हाँ। कामदेव बाबा की जड़ी बूटियां। ये नहीं दादी जी। क्या आपको आपकी पत्नी फिजिकली या मेंटली सता रही है? हाँ भाई हाँ, मदद आपके हाथ है, पुरुष अधिकार समिति आपको आपके हक दिलवाएगी। अरे वाह मोनिशा वाह। डैड एक मिनट, आप मॉम पर हरासमेंट का केस नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकता? अरे तभी उसकी अकल ठिकाने पर आएगी। ये औरतें हैं ना, अपने अधिकार को लेकर कैसा बखेड़ा खड़ा करती है, तो हम मर्द क्यों नहीं कर सकते? अरे एक बार मोर्चा निकलेगा ना माया के खिलाफ, तभी जाके वो सुधरेगी। माया सारा भाई, हाय हाय, सारा भाई, हाय हाय, माया सारा भाई, हाय हाय, 1 2 3 4 बंद करो ये अत्याचार। ओह माय गॉड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑल दिस? इतने मिडिल क्लास नारे, कौन है आप? माया, ये है पुरुष अधिकार समिति के संचालक श्री बाजीराव फड़के। पुरुष अधिकार समिति इंद्रवदन। मामा गार्ड्स लंच करने गए। आप ही ने अपने पति को घर से बाहर निकाला? देखिए आप हमारे पर्सनल। सिर्फ हाँ क्यों ना में जवाब दो। हाँ। आपने इन पर हमला बिमला किया? ये सब झूठ है, मामा ने कोई हमला नहीं किया, उन्होंने तो सिर्फ डैड को थोड़ा सा धक्का मारा। अच्छा चलो, स्टॉप इट, क्या कर रहे हो आप? स्टॉप इट, आप मेरे बेटे को इस तरह से घसीट नहीं सकते। हमने इसे घसीटा नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा खींचा है। वाह क्या जवाब दिया है बॉस। चलो माया देवी, तुमको पुलिस स्टेशन चलना है। अरे नहीं, पुलिस स्टेशन क्यों भाई? अरे तुम चुप बैठो, चलो पुलिस स्टेशन चलो। आपके पास अरेस्ट वारंट है?
अपर कफरेट पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करवाया है। असॉल्ट, मैन हैंडलिंग, मेंटल हरेसमेंट। नहीं नहीं माया, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अरे भाई साहब, मैंने तो आपको से मोर्चा निकालने को कहा था। तुम चुप बैठो, बोला ना, आपने मुझे अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाया है। देखो साइन भी किया है, मैं आपके बिहाफ में कुछ भी कर सकता हूँ। चलो माया देवी। दिस इज आउटरेजियस। इंद्रवदन, तुम हमारी पर्सनल प्रॉब्लम्स का इस तरह से तमाशा बनाओगे, मैंने सोचा नहीं था। वेल, तुमने भी तो मुझे घर से निकाल कर इतना बड़ा तमाशा बनाया। दैट वॉज अ सोफिस्टिकेटेड तमाशा इंद्रवदन। बीवी के खिलाफ कंप्लेंट करवाना इज लोअर मिडिल क्लास। कंप्लेंट वापस ले लो। कंप्लेंट वापस ले लो? क्या? नहीं नहीं, केस चलाओ इंद्रवदन, पहली बार हमारी संस्था को केस मिला है। क्या, ये आपका पहला केस है? तो आप पहले आदमी हो जिसने पत्नी के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। मायला, हम इस केस को उछालेंगे, आपको न्याय दिलवाकर दूसरे पुरुषों को आवाज उठाने की प्रेरणा देंगे। इन शॉर्ट, हमारे केस की टॉमटॉमिंग करके ये अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए पब्लिसिटी इकट्ठा करेंगे। टेक द कंप्लेंट बैक। टेक द कंप्लेंट बैक। इंद्रवदन, पत्नी ने धमकाया और आप डर गए? नहीं नहीं, मैं डरता वरता नहीं हूँ। आप समझे नहीं, माया का बात करने का स्टाइल ही ये है। वो मुझे आई लव यू भी आई लव यू कह के कहती है ना। अरे बाबा, ये अपराध है। इन्होंने आप पर केरोसिन छिड़क कर आपको जलाने की धमकी दी है। आप पर प्रेशर कुकर फेंका है। दिस इज द लिमिट। दिस इज द लिमिट। माया, बस फड़के साहब, ये सारी कंप्लेंट मैंने कब की? क्यों, जब मैंने आपसे पूछा था कि मैं इस केस को कैसा बनाऊं, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर या स्ट्रॉन्गेस्ट, तो आपने नहीं कहा था स्ट्रॉन्गर बनाओ करके? ओह माय गॉड, अगर स्ट्रॉन्गेस्ट कहता तो रेप, हंटर से मारना, छुरी चलाना। अरे मगर वार के कोई दाग तो है नहीं, तो बना के देता ना। क्या देखा, झूठा केस खड़ा कर रहे हैं ये लोग। यू व्हाट्स योर नेम, जस्ट गेट आउट। आ देयर यू आर। चलिए मिस्टर साराभाई, चलो। अरे चलो, मैं नहीं भाई साहब, माया। हाँ हाँ, उसे उनको चलो। अरे है? फड़के साहब, तुम इकड़े क्या करते? अरे तू इकड़े क्या करता है? चल 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 चल, वट चल वट कर। लानत है तुम पर, कंप्लेंट करने के लिए भी जिगर होना चाहिए। चलो भाई लोग। चलिए अंकल, नीचे चल करके सोसाइटी में हम लोग नारे लगाते हैं, गली गली में शोर है, इंदु साराभाई चोर है। चलो। गली गली में शोर है, इंद्रवदन चोर है। 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 माय, आई एम सॉरी, ये सब करने का मतलब मेरा नहीं था। मैं तो सोच रहा था कि That's वो ओके, आई बिलीव यू। तो अब मैं जाऊं? आई मीन मैं आऊं? मेरी सारी शर्तें मंजूर करोगे? नहीं। तो फिर जाओ। नहीं नहीं, मेरा मतलब है कुछ शर्तें मानूंगा मैं, मांडवाली नहीं कर सकते हम। स्ट्राइक अ डील इंद्रवदन, ये मांडवाली इज जस्ट टोटली डाउन मार्केट। मम्मी जी, डैडी जी। लो, डाउन मार्केट का नाम लिया एंड डाउन मार्केट इज हियर। मम्मी जी, आप लोग फेमस हो गए, देखिए अखबार में आपकी तस्वीर आई है। अरे लाओ लाओ लाओ, देखे। ओ या, या। माया साराभाई अटेम्प्ट टू मर्डर इंद्रवदन साराभाई, व्हाट इज दिस? और मम्मी जी देखिए ना, हिंदी अखबार में क्या लिखा है, पत्नी या पिशाचिनी, माया साराभाई मुर्दाबाद। इंद्रवदन, व्हाट इज दिस? आप समझा, ये सब वो फड़के ने लिखवाया है। आउट, आउट। माया, पहले मेरी बात तो सुनो तुम। पहले इन्हीं अखबारों में अपोलॉजी छपवाओ, फिर मुझे लिख के दो कि तुम मेरी सारी शर्तें कबूल करोगे, उसके बाद इस घर में पैर रखना, तब तक आउट। माया, आउट। हाय मॉम। हाय। ये रही डैड की अपोलॉजी अखबार में। हाँ। और आपकी सारी शर्तें मंजूर है डैड को, ये रिटन नोट है, एक्सेप्ट फॉर कपल ऑफ देम। कौन सी? दोनों शर्तें जो है वो रोसेश की कविताओं को लेकर है। रेगुलरली कविता सुननी पड़ेगी के बजाय यू नो कभी कभी सुननी पड़ेगी किया है। एंड दूसरी? और कविता सुन के ताली बजानी पड़ेगी, वो तो कैंसिल कर दी है। ओके, कहाँ है वो इंद्रवदन? आ रहे हैं दूल्हे राजा।
दादी जी इसे अपनी जिंदगी की नई शुरुआत समझिए और आगे बढ़िए। चलिए मम्मी जी आप भी जाइए ना, जाकर दुल्हन बन के आइए ना। ओ मनीषा इसको भी अच्छी एक्टिविटी मिल गई है ना। साहिल चलो ना, इन दोनों का अकेला छोड़ देते हैं। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। माया मैं कैसा दिख रहा हूँ? यू आर सच अ क्यूट फनी ओल्ड फेलो एंड यू आर सच अ क्यूट फनी ओल्ड गर्ल ऑफ माइन। आई लव यू, आई लव डार्लिंग। मामा मामा ओ देखा आ गया फिर से कबाब में। हरा धनिया। मामा डैड धोखेबाज है। What do you mean, Dad, धोखेबाज हैं? इन्होंने पूरे रास्ते में ऐसे पोस्टर चिपकाए हैं। डाकू रानी माया साराभाई wanted dead or alive? क्या है इंद्रवदन? हाँ तो माया ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी कि मैं तुम्हारे पोस्टर्स नहीं छपवा सकता। Could you? Out, out, out! Sarabhai, this is Sarabhai.